जय श्री राम, राधे राधे। सभी देशवासियों को, भक्तों को, शिष्यों को, सबको राधे राधे। इस समय जो संकट चल रहा है भारत देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, कोरोना वायरस का, इससे संबंधित कुछ अपने मन के विचार आपके बीच रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ। आप उसे प्रेम से सुनिएगा। मैं पंडित अखिलेश परसाई, कथावाचक, निवासी शाहपुर, आप सभी से कोरोना वायरस के संबंध में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र फैल रहा है। कोई भी व्यक्ति इससे सुरक्षित जब ही रह सकता है कि जब वह अपने घरों में ही रहे और अन्य संक्रमित स्थानों पर अन्य संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से वह बचता रहे। इस संबंध में मैं आप सभी से इस सहयोग से ही, चूँकि ये समाज सुरक्षित रह सकता है, इसलिए इस सहयोग की अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस रोग से बचाव के लिए, जो इसका एक ही मात्र उपाय है कि किसी भी व्यक्ति से संपर्क में ना रहें, उससे डिस्टेंस बना करके अपने जीवन को जीते रहें। इस रोग का यही एक बचाव है। किसी भी प्रकार का जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी भीड़ एकत्रित ना की जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर, मस्जिद, जैनालय आदि जितने भी स्थान हैं, ये सब बंद रखे गए हैं सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस मानसिक शक्ति का इस समय परिचय देते हुए और प्रशासन के साथ सहयोग के लिए आप आगे आएं, सभी लोग सहयोग करें, घर में रहें, बाहर जाते समय मास्क लगाएं और यथासंभव 20 सेकंड तक कम से कम, जो सरकार कह रही है, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को धोते रहें। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि जो भी यदि कोई बीमारी हमें अनुभव होती है, हमारे जुड़े किसी व्यक्ति को अनुभव होती है, तो तत्काल ये जानकारी प्रशासन को दी जाए, पुलिस को दी जाए, डॉक्टर को दी जाए, ताकि उस व्यक्ति का तुरंत उपाय इलाज किया जा सके। यही इस रोग से बचने की एकमात्र दवा है। इसलिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें, इस बीमारी से बच करके रहें। जय श्री राधे सीताराम।